हेलो एवरीवन, दिस इज़ विशाल एंड टुडे वी आर गोइंग टू डिस्कस अबाउट कैरियर अपॉर्चुनिटी आफ्टर बीएससी एग्रीकल्चर, एमएससी एग्रीकल्चर एंड पीएचडी। सो बहुत से जूनियर थे जो आफ्टर बीएससी के बाद, एमएससी के बाद कुछ स्पेशल जो वैकेंसी रिलीज होती हैं उसके बारे में पूछ रहे थे। तो आज हम लोग देख लेते हैं कि पब्लिक सेक्टर में, प्राइवेट सेक्टर में कौन कौन सी परमानेंट या ओकेशनल जॉब जो है प्रोवाइड कराई जाती हैं पब्लिक सेक्टर से और प्राइवेट सेक्टर से। सो फर्स्ट जो है, जो गवर्नमेंट सेक्टर में है एलिजिबिलिटी, जिसकी बीएससी एजी है, स्टेट डिपार्टमेंट ऑफ एग्रीकल्चर एसडीए, स्टेट डिपार्टमेंट ऑफ एग्रीकल्चर में एग्रीकल्चर ऑफिसर की वैकेंसी होती है, एओ की, एग्रीकल्चर एक्सटेंशन ऑफिसर एईओ की, और विलेज एग्रीकल्चर असिस्टेंट वीडब्ल्यूए डिप्लोमा। तो जो ये तीनों जॉब है एज ए ब्लॉक लेवल पर और विलेज लेवल पर होती हैं, और स्टेट गवर्नमेंट के द्वारा इसका रिक्रूट किया जाता है, जो कि हर ब्लॉक में होते हैं ये पोस्टें। सेकंड जॉब, मिनिस्ट्री ऑफ एग्रीकल्चर एंड फार्मर वेलफेयर। तो जो मिनिस्ट्री ऑफ एग्रीकल्चर एंड फार्मर वेलफेयर में है, वो वहाँ टेक्निकल असिस्टेंट की वैकेंसी रिलीज होती है, जो कि वोकेशनल टाइप की होती है, 2 या 3 ईयर्स के लिए, परमानेंट बेस्ड पर नहीं होती है। कुछ वैकेंसियाँ जो हैं वहाँ परमानेंट होती हैं, बट जो स्पेशल वैकेंसी है वहाँ एक टेक्निकल असिस्टेंट की है। नेक्स्ट जो है, इंस्टीट्यूट ऑफ बैंकिंग पर्सनल सिलेक्शन IBPS से एग्रीकल्चर फील्ड ऑफिसर AFO की वैकेंसी जो रिलीज होती है स्पेशलिस्ट ऑफिसर में होती है, वो रेगुलर बेस पे है। फिर जो है, स्टेट एग्रीकल्चर यूनिवर्सिटी ANGRU फार्म मैनेजर इन KVKs, ए एग्रीकल्चर एक्सटेंशन ऑफिसर, रीजनल एग्रीकल्चर रिसर्च स्टेशन, टीचिंग असिस्टेंट एग्रीकल्चर पॉलिटेक्निक। जितने भी स्टेट एग्रीकल्चर यूनिवर्सिटियाँ हैं वहाँ पर फार्म मैनेजर की पोस्ट होती है, KVK और यूनिवर्सिटी दोनों में। एग्रीकल्चर एक्सटेंशन ऑफिसर की होती है रीजनल एग्रीकल्चर रिसर्च स्टेशन पर, और टीचिंग असिस्टेंट की होती है जो भी पॉलिटेक्निक गवर्नमेंट होते हैं वहाँ पर भी होती है। तो ये वोकेशनल टाइप की होती हैं। फिर नेक्स्ट है नाबार्ड, नेशनल बैंक फॉर एग्रीकल्चर एंड रूरल डेवलपमेंट, जो कि अभी नाबार्ड ने वैकेंसी को रिलीज किया है। तो वहाँ पर असिस्टेंट मैनेजर ग्रेड ए की वैकेंसी होती है, मैनेजर ग्रेड बी की होती है, बीएससी एजी, एमएससी एजी और पीएचडी, ये तीनों क्वालिफिकेशन पे वैकेंसी वहाँ से नाबार्ड से वैकेंसी रिलीज होती। फिर जो एडमिनिस्ट्रेटिव सेक्टर में यूनियन पब्लिक सर्विस कमीशन से UPSC से वैकेंसी जो रिलीज होती है स्पेशल एग्रीकल्चर वालों की, वो इंडियन फॉरेस्ट सर्विस एंड अदर सर्विस IFS की वैकेंसी होती है, जिसमें कि साइंस बैकग्राउंड, बीएससी एजी एंड वेटनरी वाले एलिजिबल होते हैं, रेगुलर बेस्ड पे वैकेंसी होती है। देन एग्रीकल्चर इंश्योरेंस कंपनी ऑफ इंडिया लिमिटेड AIC, जो एग्रीकल्चर इंश्योरेंस कंपनी लिमिटेड, उसमें एडमिनिस्ट्रेटिव ऑफिसर की वैकेंसी रिलीज होती है, जो कि परमानेंट वोकेशनल होती हैं और परमानेंट दोनों ही निकलती हैं। फिर स्टेट फॉरेस्ट डिपार्टमेंट में, स्टेट फॉरेस्ट डिपार्टमेंट में सेक्शन ऑफिसर की वैकेंसी होती है, फॉरेस्ट रेंजर की वैकेंसी होती है, जो कि स्टेट पब्लिक सर्विस कमीशन से ये सब वैकेंसियों का रिक्रूट होता है या फिलअप किया जाता है। स्टेट सीड डेवलपमेंट कॉरपोरेशन NSC और स्टेट सीड डेवलपमेंट कॉरपोरेशन, उसमें सीड ऑफिसर की होती है, और NSC में जो स्पेशली इकोनॉमिक्स की वैकेंसी आती है वो मार्केट ट्रेनिंग करके आती है, तो वो भी वैकेंसी है। नेक्स्ट जो है अपना कॉटन कॉर्पोरेशन इंडिया में CCI में भी है, जूनियर असिस्टेंट की, जूनियर कमर्शियल एग्जीक्यूटिव की, नेशनल सीड कॉर्पोरेशन में एग्रीकल्चर ट्रेनी की। फिर फूड कॉर्पोरेशन ऑफ इंडिया में असिस्टेंट ग्रेड 3 की, अभी वहाँ पे टेक्निकल के भी FCI वैकेंसी रिलीज किया था टेक्निकल असिस्टेंट की। तो फिर CWC में वेयरहाउस में भी जूनियर टेक्निकल असिस्टेंट की और जूनियर सुपरिंटेंडेंट की। फिर स्टेट वेयरहाउस कॉर्पोरेशन में SWC में प्रोक्योरिंग इंस्पेक्टर की, मार्केटिंग इंस्पेक्टर की, असिस्टेंट सप्लाई ऑफिसर की, और जो ये वैकेंसियाँ हैं ये स्टेट गवर्नमेंट से भी रिक्रूट किया जाता है लोअर PCS से हर स्टेट में, मार्केटिंग इंस्पेक्टर की और सप्लाई इंस्पेक्टर की। नेक्स्ट जो है वो मार्केफेड में भी वैकेंसियाँ रिलीज होती हैं, मार्केटिंग एग्जीक्यूटिव फील्ड ऑफिसर करके। फिर कॉपरेटिव ऑयल सीड ग्रोवर फेडरेशन लिमिटेड में, उसमें भी वैकेंसी आती है फील्ड ऑफिसर की। फिर हर स्टेट की आंध्र प्रदेश स्टेट एग्रो इंडस्ट्री में भी आती है। फिर नेशनल फर्टिलाइजर NFL में भी आती है मार्केटिंग रिप्रेजेंटेटिव MR की वैकेंसी। फिर इंडियन फार्म फर्टिलाइजर एंड कोऑपरेटिव IFCO में भी वैकेंसी आती है एग्रीकल्चर ग्रेजुएट ट्रेनिंग AGT करके। फिर कृषक भारती CRIPCO में भी फील्ड रिप्रेजेंटेटिव ट्रेनिंग करके वैकेंसी रिलीज करते हैं। फिर फर्टिलाइजर एंड केमिकल ट्रावेनकोर लिमिटेड FACT में भी सेल्स ऑफिसर की और फील्ड ऑफिसर की FO की, इसमें भी आती है। और FSSAI फूड सेफ्टी एंड स्टैंडर्ड अथॉरिटी ऑफ इंडिया में भी फूड इंस्पेक्टर की वैकेंसी रिलीज होती है। सो नेशनल इंश्योरेंस कंपनी NICL में भी एग्रीकल्चर अप्रेंटिस की वैकेंसी रिलीज होती है।
टोबैको बोर्ड है वहाँ भी फील्ड ऑफिसर की वैकेंसी रिलीज होती है। जितने भी कॉफ़ी बोर्ड हो गए, सेंट्रल सिल्क बोर्ड हो गए, नेशनल इंस्टीट्यूट ऑफ न्यूट्रिशन, इन सब में भी वैकेंसियाँ वो रिलीज करते हैं। फिर DPPQS में डायरेक्टर ऑफ प्लांट प्रोडक्शन क्वारंटाइन एंड स्टोरेज में भी वैकेंसी टेक्निकल असिस्टेंट की रिलीज होती है। फिर साउदर्न रीजन फार्म मशीनरी ट्रेनिंग एंड टेस्टिंग में भी वैकेंसी रिलीज होती है। फिर नेफेड में भी वैकेंसी रिलीज होती है, जूनियर फील्ड रिप्रेजेंटेटिव करके। फिर राष्ट्रीय केमिकल्स एंड फर्टिलाइजर RCFL में भी असिस्टेंट ऑफिसर मार्केटिंग ग्रेड की वैकेंसी रिलीज होती है। फिर DRDO में वैकेंसी आती है, एग्रीकल्चर जॉब सैलरी। अगर DRDO में, क्योंकि हाई अल्टीट्यूड पे भी वो लोग कुछ रिसर्च वर्क करते हैं, तो वहाँ पर भी DRDO में वैकेंसी रिलीज होती है। नेक्स्ट जो है, अब करियर अपॉर्चुनिटी विद MSc AG, हम लोग MSc AG का देख लेते हैं। डिफरेंट डिसिप्लिन का स्टेट एग्रीकल्चर यूनिवर्सिटी में असिस्टेंट प्रोफेसर की PhD डिजायरेबल हो गई है। 2021 से मिनिमम क्वालिफिकेशन PhD कर दिए हैं, तो हर स्टेट एग्रीकल्चर यूनिवर्सिटी में असिस्टेंट प्रोफेसर की वैकेंसी रिलीज होती है। और हर स्टेट का अपना आयोग होता है, जैसे यूपी में UPHSC आयोग है, हायर एजुकेशन कमीशन का, वहाँ से भी डिग्री कॉलेज की वैकेंसी रिलीज होती है। अगर आप 10th प्लस 2 में भी टीचिंग करना चाहते हैं, तो उसके लिए आपको UG+BEd, वो भी वैकेंसी रिलीज आती है एज ए एजुकेशन डिपार्टमेंट में। फिर कृषि विज्ञान केंद्र पर सब्जेक्ट मैटर स्पेशलिस्ट की आती है, रेगुलर और रिसर्च एसोसिएट ऑन कॉन्ट्रैक्ट बेसिस पे भी आती है, दोनों की परमानेंट और उसकी दोनों केस में वैकेंसी होती है। फिर डिस्ट्रिक्ट एग्रो मेट्रोलॉजिकल डामू प्रोजेक्ट इस समय मेट्रोलॉजी में चल रहा है, जो कि काफ़ी उधर मेट्रोलॉजी का स्कोप इसी प्रोजेक्ट की वजह से काफ़ी इंक्रीज हो गया है। और UP में सिर्फ मेट्रोलॉजी NDE में ही इसकी ऑफर करता है कोर्स, तो डामू प्रोजेक्ट में भी SMS की वैकेंसी रिलीज होती है। फिर SMS प्लांट प्रोटेक्शन, MSc इंटमोलॉजी पैथोलॉजी विद नेट, तो जो प्लांट प्रोटेक्शन वाले हैं उसमें पैथोलॉजी और इंटमोलॉजी दोनों मास्टर प्लस नेट होना चाहिए। फिर SMS क्रॉप प्रोडक्शन, जिसमें MSc एग्रोनॉमी सॉयल साइंस विद नेट होना चाहिए। MSc एग्रिल मेट्रोलॉजी, तो इसमें MSc एग्रिल मेट्रोलॉजी प्लस एग्रोनॉमी। फिर SMS जो अपने एक्सटेंशन में होता है, उसमें MSc एग्रिल एक्सटेंशन विद नेट, मतलब MSc PG आपकी होनी चाहिए प्लस साथ में नेट होना चाहिए, तो आप SMS के लिए एलिजिबल हैं। तो और उसके बाद एक वैकेंसी होती है जिसमें ASRB पहले था, वो ARS की वैकेंसी रिलीज करता था PG लेवल पे, बट अब उसकी भी क्वालिफिकेशन PhD कर दी गई है। तो एज ए ARS का काफ़ी अच्छा करियर अपॉर्चुनिटी था, जो भी PG के एस्पायरेंट थे, बट उसकी भी क्वालिफिकेशन PhD कर दी गई है। फिर ASRB बोर्ड में एग्रीकल्चर रिसर्च सर्विस ARS PhD इसेंशियल फ्रॉम 1/7/2021 से हो गई है। टोटल जो ARS की वैकेंसी है, 56 डिसिप्लिन में ARS की वैकेंसी को रिलीज करता है। तो जो एवरेज वैकेंसी होती है 160-180 वैकेंसी वो रिलीज करते हैं। अब डिफरेंट डिपार्टमेंट, जैसे जेनेटिक प्लांट ब्रीडिंग में 10 से 15 वैकेंसी आ जाती है, एग्रोनॉमी में 10 वैकेंसी, प्लांट पैथोलॉजी में 1 to 5 वैकेंसी, एग्रीकल्चर बायोटेक्नोलॉजी में 1 to 5, इंटमोलॉजी में 1 to 5, सीड टेक्नोलॉजी में 1 to 3, एक्सटेंशन 5 to 6, इकोनॉमिक्स 0 to 4, प्लांट फिजियोलॉजी 1 to 3, सॉयल साइंस 4 to 7। और स्टेट सीड सर्टिफिकेशन अथॉरिटी जो होती है, वहाँ पर भी MSc AG जेनेटिक्स एंड प्लांट ब्रीडिंग और एग्रोनॉमी की स्पेशल वैकेंसी वो रिलीज करते हैं। तो जो एक PDF उसमें साइट भी उन्होंने मेंशन है, तो आप लोग देख सकते हैं। फिर पैथोलॉजी सीट, फिर नेशनल सीट NSC में भी एग्रीकल्चर ट्रेनिंग की वैकेंसी आती है एज ए PG पे। फिर स्पाइसेस बोर्ड है, वहाँ पर भी MSc की वैकेंसी वो रिलीज करते हैं, स्पाइसेस रिसर्च ट्रेनिंग की, और जिसमें इसेंशियल MSc एग्रीकल्चर प्रिफरेंस एग्रोनॉमी को और सॉयल साइंस को, इंटमोलॉजी प्लांट पैथोलॉजी को दिया जाता है। फिर नेशनल सेंटर फॉर ऑर्गेनिक फार्मिंग NCOF अब गाजियाबाद में जो सिचुएटेड है, उसमें भी वैकेंसी जो आती है जूनियर साइंटिफिक ऑफिसर की, जिसमें पैथोलॉजी एग्रोनॉमी सॉयल साइंस और एक्सटेंशन वालों को रिक्रूट किया जाता है। फिर FCI में मैनेजमेंट ट्रेनिंग की एक वैकेंसी होती है जिसकी मास्टर क्वालिफिकेशन है। नाबार्ड में असिस्टेंट मैनेजर Grade A इसेंशियल MSc एग्रोनॉमी सॉयल साइंस MBA इकोनॉमिक्स प्रिफरेबल। नाबार्ड Grade A की वैकेंसी है, उसमें MSc इकोनॉमिक्स को ज़्यादा प्रीफर किया जाता है। फिर फॉरेस्ट कॉलेज एंड रिसर्च इंस्टीट्यूट FCRI में असिस्टेंट प्रोफेसर की, जिसमें MSc एग्रिल एक्सटेंशन सॉयल साइंस इकोनॉमिक्स प्लांट पैथोलॉजी एग्रोनॉमी सीड टेक्नोलॉजी एंड माइक्रोबायोलॉजी, इनके लिए स्पेशल वैकेंसी वहाँ से रिलीज होती है। टी रिसर्च एसोसिएशन में भी साइंटिस्ट B ग्रेड की वैकेंसी आती है MSc एग्रोनॉमी वाटर मैनेजमेंट में, साइंटिस्ट B एडवाइजरी MSc AG। कॉटन CCI में भी
पीजी लेवल भी वैकेंसी मैनेजमेंट ट्रेनिंग की आती है। सेंट्रल वेयर हाउस में कॉरपोरेशन में भी पीजी लेवल पर वैकेंसी आती है। फिर राष्ट्रीय केमिकल एंड फर्टिलाइजर लिमिटेड में भी पीजी लेवल पे एमबीए मास्टर एग्री बिजनेस मैनेजमेंट वालों की स्पेशल वैकेंसी आती है। क्रिपको में भी स्पेशल वैकेंसी आती है। टोबैको बोर्ड में भी स्पेशल वैकेंसी आती है। तो सेंट्रल सिल्क बोर्ड है वहाँ पर भी साइंटिफिक पीएचडी एग्रीकल्चर साइंटिफिक एमएससी ये भी वैकेंसी को रिलेट करते हैं। नेफेड में भी मार्केटिंग एग्जीक्यूटिव की स्पेशल वैकेंसी रिलीज करते हैं। डायरेक्टर ऑफ प्लांट प्रोटेक्शन क्वारंटाइन में भी टेक्निकल ऑफिसर केमएससी एजीबी एग्रोनॉमी पैथोलॉजी और एंटोमोलॉजी की वैकेंसी रिलीज करते हैं। फिर इंडियन मेट्रोलॉजिकल डिपार्टमेंट आईएमडी में भी एमएससी एग्रीकल्चर मेट्रोलॉजी की स्पेशल वैकेंसी आती है। फिर डिफेंस रिसर्च डेवलपमेंट ऑर्गेनाइजेशन में भी साइंटिस्ट भी इसेंशियल एमएससी एजी भी वैकेंसी आती है। फिर अदर जो टेम्प्रोरी रिक्रूटमेंट है कुछ यूजीपी और पीजीपी उसको हम लोग देख लेते हैं। सीनियर रिसर्च फेलोशिप एसआरएफ की कुछ वैकेंसियाँ जो एज ए प्रोजेक्ट रूप में हर यूनिवर्सिटी निकालती है यंग प्रोफेशनल की जिसकी इसेंशियल एमएससी एजी सैलरी 31,000 to 35,000 पर मंथ वो लोग पे करते हैं। टेक्निकल ऑफिसर टीओ की एमएससी एंटोमोलॉजी नेमेटोलॉजी एंड पैथोलॉजी सैलरी वही 37,000 पर मंथ। प्रोजेक्ट ऑफिसर की एसेंशियल एमएससी एजी। फिर सीनियर फेलोशिप इन फूड सेफ्टी एंड न्यूट्रिशन में। फिर प्रोग्राम कोऑर्डिनेटर एसेंशियल एमएससी एग्रील इकोनॉमिक्स में ये नेशनल इंस्टीट्यूट ऑफ रूरल डेवलपमेंट एंड पंचायती राज में इसमें वैकेंसियाँ रिलीज होती है। सो जो भी अभी एक्सटेंशन ऑफिसर की आती है जिसमें डायरेक्टर ऑफ एक्सटेंशन एंड एजुकेशन में न्यू दिल्ली में जिसकी एसेंशियल एमएससी एग्रील एक्सटेंशन है। फिर रिसर्च फेलोशिप की फेलो की आती है जिसकी एसेंशियल पीएचडी एग्रील एक्सटेंशन है इकोनॉमिक्स और रूरल डेवलपमेंट सैलरी जो है 75,000 पर मंथ। फिर हम लोग देख लेते हैं यंग प्रोफेशनल ये भी वैकेंसी आती है। जो पीएचडी की है वो लोग हम लोग देख लेते हैं फेलो विद परसुइंग पीएचडी प्रोग्राम में मतलब एज ए पीएचडी आप परसू करते हुए कौन कौन सी फेलोशिप पा सकते हैं इसको हम लोग एक बार देख लेते हैं। जो इंस्पायर होती है वो इनोवेशन इन साइंस परस्यूट फॉर इंस्पायर्ड रिसर्च एस्योर्ड अपॉर्चुनिटी फॉर रिसर्च कैरियर एओआरसी परसुइंग पीएचडी एमएससी एलिजिबिलिटी एमएससी है। ये नेचुरल एंड बेसिक साइंस में एग्रील कैन अप्लाई कर सकते हैं आप नेचुरल और बेसिक साइंस में। ये मिनिस्ट्री ऑफ साइंस से दिया जाता है। 5 ईयर एप्लीकेशन टाइम नवंबर 5 ईयर के लिए एलिजिबल होती है और 7 लाख टोटल 5 ईयर में दिया जाता है इसको। एज ग्रुप जो 22 to 27 है इसके। और जो नोट है स्टूडेंट हु गो हाईएस्ट ओजीपी इन पर्टिकुलर डिपार्टमेंट ऑफ यूनिवर्सिटी लेवल विल बी गिवन इंस्पायर्ड फेलोशिप मतलब एज ए आप जीएसटी इसको बोलिए या जो भी है आप अपने डिपार्टमेंट अगर टॉपर हैं तो आपको ये फेलोशिप प्रोवाइड की जाती है। फिर सेकंड है आईसीआर एसआरएफ फेलोशिप ये आईसीआर एआई एसआरएफ एग्जाम एलिजिबिलिटी एमएससी है जी। एसआरएफ के थ्रू भी आपको स्कॉलरशिप एग्रीकल्चर एंड अलाइड सेक्टर में प्रोवाइड की जाती है बाई आईसीआर द्वारा। 3 ईयर के लिए होता है इसका और 31,000 पर मंथ आपको दिया जाता है और सेकेंड ईयर से 35,000 पर मंथ दिया जाता है। फिर यूजीसी के नेशनल फेलोशिप फॉर ओबीसी ये नेचुरल और बेसिक सोशल साइंस के लिए दिया जाता है 31,000 पर मंथ के हिसाब से। फिर यूजीसी के राजीव गांधी नेशनल फेलोशिप तो एससी एंड एसटी के लिए होता है एमएससी इसकी एलिजिबिलिटी है नेचुरल बेसिक एंड सोशल साइंस में जो 25 पर मंथ के हिसाब से दिया जाता है 3 ईयर के लिए होता है। फिर मौलाना आजाद नेशनल फेलोशिप फॉर माइनॉरिटी स्टूडेंट के लिए तो इसमें भी 31,000 पर मंथ दिया जाता है। फिर इंडियन काउंसिल ऑफ सोशल साइंस रिसर्च से ICSSR से फेलोशिप मिलती है वो 20 पर मंथ के हिसाब से देते हैं सोशल साइंस एमएससी जी इन एक्सटेंशन इकोनॉमिक्स के लिए। तो आप लोग देख लीजिएगा जो भी एक्सटेंशन इकोनॉमिक्स वाले हैं इंडियन काउंसिल ऑफ सोशल साइंस रिसर्च से। फिर UGC नेट JRF UGC जैसे एज ICR नेट JRF कराता वैसे UGC कराता। अगर उधर से आप JRF वगैरह निकालते हैं तो प्रेजेंट टाइम 42,000 पर मंथ दे रहा है UGC। CSIR नेट से भी आपको प्रोवाइड कराते हैं। सो जो आज का हमारा सेशन था वो हम लोगों ने डिस्कस किया आफ्टर UG के बाद स्कोप PG के बाद एंड PhD के बाद और कुछ जो स्कॉलरशिप प्रोवाइड की जाती है PhD में उसको हम लोगों ने डिस्कस कर लिया। मैं इसका इस वीडियो को लिंक में एज ए लिंक डाल दूंगा टेलीग्राम का उस पर आप लोग जाकर डाउनलोड कर सकते हैं और पढ़ सकते हैं। सो आज का जो हमारा सेशन है हम लोग एंड करते हैं। जितने भी आपके जूनियर हैं सीनियर हैं प्लीज़ उनको ज़रूर इस वीडियो को आप लोग शेयर करिएगा। जो भी आपके सुझाव हैं प्लीज़ उसे कमेंट सेक्शन में ज़रूर राइट करिए। ओके प्लीज़ लाइक शेयर सब्सक्राइब। थैंक यू फॉर लिसनिंग।